बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो आज मैं एक नया स्टाइल का पकौड़ा बनाने जा रही हूँ, जो कि पोहा और आलू से बनाऊंगी, जिसे खाकर आप सभी पकौड़े भूल जाएंगे। यह बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही कम चीज़ों से बन जाता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना। मेरे चैनल होम मेड रसोई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप पोहा। पोहा को 2 से 3 बार पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने पोहा को अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें पानी डालकर 5 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। अब हम पोहे को एक बॉल में निकाल लेंगे और उसको हाथों से अच्छी तरह से मसलते हुए एक डो बना लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज आलू, जिसे मैंने पहले ही उबाल कर कद्दूकस कर लिया था। 1 प्याज बारीक कटी हुई, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, 2 बड़े चम्मच बेसन, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम हाथ को तेल से थोड़ा ग्रीस करेंगे और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। अब इसमें बीच में थोड़ा सा छेद करेंगे। मैंने तो यहाँ पर डोनट शेप में बना लिया है, आप अपना कोई भी शेप में बना सकते हैं। इसी तरह हम सभी को बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने सभी को बना लिया है। अब हम पकौड़ों को एक एक करके तेल में डालकर फ्राई करेंगे। याद रहे, यहाँ पर फ्लेम मीडियम ही रहना चाहिए। इसको इलिट पलिट कर दोनों तरफ से पका कर इसे क्रिस्पी बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अपना कीमती समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।